वंदना चलो जल्दी, हाउस वार्मिंग के लिए जाना है, शादी में नहीं। हाँ बस 5 मिनट राज। डैडी These ladies ना, I tell you dad. Oh, I tell you dad. तुम क्यों नहीं तैयार हुए? मैं तैयार हूँ। तुम ये कपड़े पहन कर आ रहे हो? हाँ, क्योंकि आप ही बोले ना, हम हाउस वार्मिंग के लिए जा रहे हैं, शादी के लिए नहीं। वंदना 5 मिनट। सखी इधर। हाय डैड। हाय। अब तुम भी ये नहीं कहना कि हाउस वार्मिंग के लिए तो जाना है डैड, शादी के लिए नहीं। पर मैं ऐसा कहूंगी क्यों डैड? ना ही मैं किसी शादी में जा रही हूँ, ना ही हाउस वार्मिंग में। एक मिनट, तुम मम्मी के कजिन के नए घर नहीं आ रही हो? नहीं, वो मेरी आज डांस प्रैक्टिस है डैड। ओ मैं इस फंक्शन के बारे में भूल गया। मैंने कार दासानी को दी क्योंकि उसे चाहिए थी। अब 3 दिनों तक कार नहीं है हमारे पास। तुमने बताया नहीं मुझे। मुझे क्या पता कि दासानी 3 दिन तक कार नहीं लौटाएगा। अरे मैं दासानी की नहीं, सखी की बात कर रहा हूँ। तुमने मुझे बताया ना कि वो डांस प्रैक्टिस के लिए जा रही है? नहीं, वो कहीं जा नहीं रही है। अरे अभी सखी ने बताया उसकी डांस प्रैक्टिस है और तुम कह रही हो कि वो जा नहीं रही है। वो कहीं जा नहीं रही है, वो घर पे ही प्रैक्टिस कर रही है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो टेंशन नहीं है। हाँ? मतलब अगर जाती तो भी टेंशन कहाँ है, शी इज ग्रोन अप। मम्मी को फोन करके बोल दो कि उसका ध्यान रखे, कंपनी दे इन द सेंस। माँ पापा दादर जा रहे हैं और वैसे भी सखी अकेली नहीं है, वो अ फ्रेंड ऑफ हर्स इज कमिंग उसको डांस सिखाने के लिए। हाँ ओके। क्या उतना अपडेटेड हूँ मैं। NMU सर। NMU मतलब नाइस टू मीट यू, जस्ट अपडेटिंग। राइट। NMU 2। चले, लेट हो रहे हैं और वो CC इज वेटिंग एट द गेट। कूल कैब वेट करिए। कम ऑन अथर्व, गेटिंग लेट यार, चलो। आई 2 मिनट। विवान बेटा, हम लोगों को आने में लेट होगा, तो तुमको और सखी को कुछ खाना हो तो ऑर्डर कर लेना प्लीज। नो प्रायोरिटी, चिलैक्स। चलो वंदना। आ रही हूं। कौन था वो? भाटा उड़ेकर। हाँ, पुतले के नीचे लिखा भी था भाटा उड़ेकर चौक। अरे मैं उस लड़के के बारे में पूछ रहा हूँ, वो जो क्या नाम है, विमान जो लिफ्ट में क्रैश लैंड हुआ ना, जो हम सबके जबरदस्ती गले पड़ रहा था। डैडी उसका नाम विवान है। हाँ। और वो सबको ऐसे ही गले मिलता है, चाहे वो मम्मी हो, डैडी हो, मैं हूँ, शर्मा अंकल का डॉग हो। इट्स अ स्वैग। किसका बेटा है? नया है क्या बिल्डिंग में? बिल्डिंग में राज, वो सखी का फ्रेंड है। मैंने बताया तो था तुम्हें कि सखी का फ्रेंड आ रहा है उसको डांस सिखाने के लिए। एक मिनट, लेकिन सखी का फ्रेंड एक लड़का है, ये तुमने नहीं बताया था वंदना। डैडी वो लड़का नहीं है, आई मीन वो सेलिब्रिटी है। उसके इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन फॉलोअर्स है, उसका हर एक डांस वीडियो वायरल होता है। ओह माय गॉड, ये देखो उसका एक नया पोस्ट है सखी दीदी के साथ। बताओ शो मी। देखो गाड़ी रोको। आज क्या हुआ? नहीं, मुझे थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है, आई नीड टू गो टू द टॉयलेट। बंधु तुम अथर्व को लेकर आगे जाओ, मैं घर हुआ था। लेकिन राज 10 मिनट में हम सचिन के घर पहुंच जाएंगे। That's what? नहीं, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं सच कह रहा हूँ, it's really bad. डैडी हमारा घर आधा घंटा दूर है। हाँ लेकिन अपना घर होता है, as in अपना टॉयलेट अपना टॉयलेट होता है। बंधु तुम जानो प्लीज अथर्व को लेकर, मैं बस यू गया यू आता हूँ।
ठीक है, लेट्स ट्राई. ओके चलो लेट्स ट्राई. ओके 1 2 3 रन. अरे नो सॉरी 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 सॉरी, ट्रस्ट मी. ओके ओके वन मोर टाइम. ओके या चलो. Yes, we did it! Yes! Woohoo! It's okay. You're safe. Huh? Daddy's here. हाँ, लेकिन Dad, अब वापस घर पे? अब वो पेट में जरा ना गड़बड़ हो रही है, इसीलिए sorry. It's okay. Sir. I guess तुम्हारे डैड को बदतमीजी हो गई है. बदहजमी कहते हैं उसे. बेटा विमान. Yeah, right. Dad, his name is विवान. और विवान मुझे ना सालसा डांस के लेसन्स दे रहा है. वो भी फ्री में. विवान, meet my dad. Yeah, we met. हम मिले लिफ्ट में. हाँ, yeah, yeah. Oh, okay. तुम दोनों अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, मैं हूँ यहीं पे थोड़ा आराम कर लूंगा मैं. यहाँ? हाँ. डैड, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो अपने रूम में जाकर रेस्ट कर लीजिए ना. ताकत ही नहीं है उठकर रूम तक जाने की. डोंट वरी, आई एम फाइन. यू गाइस कंटिन्यू, जाओ रेस्ट करो. ओके, नो प्रॉब्लम. तो मैं और विवान मेरे रूम में चले जाते हैं. विवान, म्यूजिक सिस्टम ले लो. या, ओके. Bye, Dad. Sure. May I? Ciao. Hello. No. Oh. Dad, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा. राजेश, क्या कर रहे हो? अपनी बेटी पर इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें? लेकिन वो भोली है. और ये विमान, ये 5 मिलियन फॉलोअर वाला टाइगर श्रॉफ की फर्स्ट कॉपी, कहीं उसे फुसला लेगा तो? अरे तेरी सखी कोई इतनी डम थोड़ी ना है. लेकिन फिर भी से उठ नहीं पा रहे थे ना? अब थोड़ा ठीक हूँ, मतलब थोड़ा सा, लेकिन वीकनेस बहुत है. नहीं, मैंने सोचा कि तुम लोगों को पूछूं कि कुछ चाहिए क्या. एज चाय कॉफी समथिंग. आई मेक वेरी गुड कॉफी. सॉरी डैड, लेकिन आपके हाथ की कॉफी. क्या मेरे हाथ की कॉफी? क्या मैंने कब बुरी बनाई है कॉफी? हाँ, वो एक बार क्या हुआ कि कॉफी पाउडर के बदले मैंने वो ब्राउन वाली शुगर डाल दी. बट आई टेल यू विमान, इट्स विवान डैड. विवान, विवान, इट्स के सक, इट्स कूल. सीरियसली, इट्स कूल. आई मीन लाइक आई स्टार्टल, ही सेड इट वंस, व्हाट्स इन द नेम? या राइट, एरिस्टोटल. हां, शेक्सपियर का पार्सल एरिस्टोटल के नाम चढ़ा रहा है. टोटल दिमाग बिगड़ गया इसका. मैं हम तीनों के लिए कॉफी लेकर आता हूँ. yeah. मैं बस आ रहा हूँ. दरवाजा बंद नहीं करना. हाथ में वो कॉफी कट रहे होगा ना, तो ऐसे ऐसे करके दरवाजा खोलना जरा ऑड होगा, मतलब मुश्किल होगा, इसीलिए. आप लोग शुरू करो ना. कंटिन्यू. श्योर.
सखी सखी कॉफी का डिब्बा नहीं मिल रहा है, जरा प्लीज यहाँ हेल्प करो। हाँ सखी, वो कॉफी का डिब्बा कहाँ रखा है ना, वो मिल नहीं रहा है, जरा प्लीज हेल्प करो ना ढूंढने में। अरे बेटा तुम क्यों आ गए, तुम करो प्रैक्टिस जारी रखो, जा। डैड ये एक्सपर्ट है। घमंड नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जा बेटा जा। डैड ये सीखने नहीं मुझे सिखाने आया है। इट्स के साख, इज दिस जोकिंग? भूख लगी है? अरे वर्ड का लास्ट अल्फाबेट खा जाते हो ना, इसीलिए पूछा। जो किंग होता है तो जोकिंग, मेकिंग है तो मेकिंग। गुड को क्या बोलोगे? अच्छा बेटा विमान तुम सोफे पे लैंड करो, मैं और सखी यहाँ पे कॉफी का डिब्बा ढूंढते चलो। ओह नो नीड टू डू दैट, आई गॉट माय कॉफी, मैं लेके आता हूँ एक सेकेंड। कॉफी भी लेकर आता है ये? पहले बोलना चाहिए था, और भी मंगाता था दो तीन चीजें। और कॉफी मैं बनाऊंगा। डैड ही मेक्स फैंटास्टिक कॉफी, इंस्टाग्राम पे ना इसके ये कॉफी बनाने के वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। किस बात पे आते हैं ये बहुत ज्यादा लाइक्स? आई शो यू, मे आई? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जस्ट फिक्स इट। क्या कॉफी पाउडर अच्छी हो ना, तो बनाने वाला चाहे कोई भी हो अच्छी बनती है। By the way, कौन सी है कॉफी? Well, this is the most expensive coffee in the world. It's called Luwak. अच्छा Luwak, हाँ। तभी मैं सोचूं इतनी जबरदस्त कॉफी कैसे बना ली तुमने। Luwak कॉफी की बात ही अलग है। मेरा दोस्त है आसाम में रहता है, उसका फार्म है वहां पर, वो ये Luwak उगाता है, मतलब खेती करता है। What? Dad, Lu. Oh, sorry. Luwak कॉफी है ना? वो किसी बागान में नहीं उगाई जाती। Exactly. सीवेट टाइप की एक बिल्ली होती है, उसे कॉफी बीन्स खिलाए जाते हैं, फिर वो जो पट्टी करती है ना, उससे बनती है ये कॉफी। Dad. Oops. ये बिल्ली की टट्टी वाली कॉफी है? डैड आपको पता भी है कितनी एक्सपेंसिव कॉफी है ये? 25,000 रुपए किलो के भाव से बिकती है ये कॉफी। अरे 1,00,000 रुपए किलो के भाव से भले बिके, लेकिन टट्टी तो टट्टी होती है ना। प्लीज डैड। ओह गॉड सॉरी बेब, तुम्हारा टी शर्ट गंदा हो गया, सो सॉरी। अरे वाह ये तो अच्छा हुआ, बला टली, इसके तो सारे कपड़े गंदे हो गए, अब इसे घर जाना ही पड़ेगा। चलो चलो कपड़े बदलने के लिए घर ही जाना पड़ेगा ना। चल इट्स के, मेरे पास एक्स्ट्रा टी शर्ट है। So, let's start again? Yeah, come. Pant pe girti to kya pant bhi? Ah, ye puri wo injection wali body hai. Hum log bhi gym gaye hain. Hamare nahi nikle aise dole shole. Hum log gym jaate the na? To fitness ke liye jaate the. लड़कियों को फंसाने के लिए नहीं जाते जिम। कौन समझाएगा सखी को? अरे गलती वंदना की है, टट्टी वाली कॉफी पिलाने वाले के भरोसे मेरी फूल जैसी बच्ची को छोड़कर हाउस वार्मिंग के लिए चली गई। यहाँ कुछ ऊंच नीच हो जाए ना तो हाउस बर्निंग हो जाएगा।
लेकिन समझाएगा कौन? ये विमान भी क्या ढीठ है, इतना इंसल्ट करने के बावजूद वापस घुस गया रूम के अंदर। मन तो कर रहा है ना रूम में घुस के कान पकड़ के इसे से बात तो मार गया। डैड सखी, डैड ये क्या हुआ? आप गिरे कैसे? डैड प्लीज डू समथिंग। या या चिल बेब। बेब नहीं, हर नेम इज सखी। रिलैक्स रिलैक्स, संभालिए कुछ। रिलैक्स। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। या डोंट वरी, एक सेकंड, रिमूव दिस दैट। या ओके चलो ट्राई स्टैंडिंग अप। ओके 1 2 3। चिल चिल चिल, संभालो अंकल। आपका लेग दो। रिलैक्स रिलैक्स, इट विल बी ओके। ओके रिलैक्स, इधर आइए। कम हियर, कम हियर, रिलैक्स। ओके रिलैक्स, लव एंड पीस, दिस विल हेल्प यू टू हील। ओके ये आपको हील करेगा। रिलैक्स अंकल, आप मेरा समोसा कीजिए। ओके भरोसा होता है बेटा। हाँ डैड, आप प्लीज कुछ मत बोलिए। बेब विल बी ओके ना? बेब सॉरी, सखी खी सखी, राइट सखी, डोंट वरी, लेट मी डू सम हीलिंग एंड अंकल विल बी ऑल राइट। ओके रिलैक्स डैड, आपको कैसा लग रहा है? ये मैंने डांस का इंजरीज को हील करने के लिए सीखा था। इट वर्क्स बट यू गॉट गिव सम टाइम यू नो। रिलैक्स, लव एंड पीस। डैड इट्स ओके सखी। राज, राज क्या हुआ? आओ सॉरी, फिर से वही पैर। सखी इतना रो क्यों रही थी फोन पे? सखी बेटा मैं एकदम ठीक हूँ, समझा ना, इसे बच्चों की तरह रोए जा रही है। तुम्हें तो पता है ना कि मैं इसे रोते हुए नहीं देख सकता। Come on, सखी। बस 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 बस। Hey babe, look, Sak, you know, तुम्हारे डैड को ये चोट लगने के बाद जितना पेन नहीं हो रहा है ना, उससे ज्यादा तुम्हारे आईज से जो टीयर्स आ रहा है ना, उसको देख के हो रहा है, यू नो। सो कैन यू प्लीज स्टॉप क्राइंग? ओके वेट, इफ यू सीरियसली थिंक दैट आई एम योर बेस्ट बडी, you'll stop crying right now. Are we good? That's like my babe, best friend. Bachu, chalo daddy ko thoda aaram karne do. Aajo, aajo. Hey uncle, I'm very sorry. I understand aapko acha nahi laga tha. I came home and जब आप और आंटी बाहर थे and सखी was home alone, but uncle, trust me, आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। See uncle, बचपन से I was brought up in USA and 3 साल पहले me and my family हम लोग इंडिया शिफ्ट हुआ, इसलिए my हिंदी is weak. बट मेरा अपब्रिंगिंग बिल्कुल भी वीक नहीं अंकल। मी एंड सखी, वी आर जस्ट हेल्पिंग ईच अदर आउट। वो बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर है, शी इज एन एक्सपर्ट एंड आई एम एन एक्सपर्ट इन वेस्टर्न, सो हम दोनों एक दूसरे को अंकल हेल्प कर रहे हैं। दैट सेड एंड वी आर नथिंग मोर देन जस्ट वेरी गुड फ्रेंड्स। श्योर, एज इन तुम दोनों के बीच? नो, नथिंग एट ऑल। इनफैक्ट वो मेरे टाइप की भी नहीं है। या टीसी? PC नहीं, I work for a courier company. So nice, love and peace, man. Peace, love and peace. Suck. I'll see you soon, okay? Bye. Bye. Dad, आप नाराज हो मुझसे? नहीं बेटा।
ओके लेट मी कन्फेस, क्या ना तुम बहुत जल्दी बड़ी हो रही हो। पिछले हफ्ते तो मैं तुम्हारी मम्मी को और तुम्हें अस्पताल से घर लाया था। कुछ दिन पहले तुम्हारे मुंह में वो नया दांत आया था। परसों तक तो तुम वो छोटा सा पोल्का डॉट वाला फ्रॉक पहनकर रिंगा रिंगा खेल रही थी, और अब इतनी जल्दी बड़ी मत हो जा बेटा। तुझे प्यार करने का, तुम्हारी खुशियों की वजह बनने का, तुम्हारे आंसू पहुंचने का, तुम्हारा हाथ यूं पकड़कर चलने का, तुम्हें गले लगाकर चैन से सोने का मेरा जो हक है ना, वो मैं किसी और के साथ बांट नहीं सकता। इतनी जल्दी क्या बड़ी हो रही हो तुम? आपको लिपट के सो ना पाऊं, इतनी बड़ी तो मुझे कभी नहीं बनना था, कभी नहीं। डैड, हैशटैग बीबीबी पे पोस्ट है, जस्ट हील लगाए। हील अ गाय मतलब मैं मुझे हील किया उसने? नो जस्ट सेंड हिम अ रिप्लाई ऑन माय बिहाफ, लव एंड पीस। सुलह तो नहीं हुई लेकिन जान पहचान हो गई राजेश की विवान के साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।